الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے لیول ون ہمارا ہے جس میں ہم پہلا سبق پڑھ چکے تھے ضمائر منفصلہ لیکن ایک مرتبہ یادہ کریں گے آپ سب میرے ساتھ اس کو ریوائز کریں گے دہرائیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے جی اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے بلکہ میں اشارہ کروں گا آپ پڑھیں گے हम अंता अंतुमा अंतुम आना नाहनु। बहुत अच्छा जी अल्फाज को गौर से देखिएगा अब सब मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा हुआ हुआ हुमा हुमा हुम हुम अंता अंता अंतुमा अंतुमा अंतुम अंतुम अना अना नहनु नहनु जी ये ज़मीरे मुनफसिल एक मर्तबा हर एक बा आवाज इशारा करते हुए पढ़िएगा ज़मीर मुनफसिल डिटेच प्रोनाउन मुजक्कर की हुआ हुमा हुम अंता अंतुमा अंतुम आना नहनो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ज़मीर मुनफसिल मुनफसिल इसलिए कि ये फासले के साथ आती है डिटेच प्रोनाउन है। अब यहाँ इसके दोहराने के तरीके हैं हम मुख्तलिफ अंदाज में इसको दोहराएंगे लेकिन उससे पहले कि जैसे कि आपने पढ़ा है अब मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा आप सब उर्दू अल्फाज आपने अरबी में पढ़ना है मैं इशारा भी करूंगा आप भी इशारा कीजिएगा मैं उर्दू तर्जुमा और आप अरबी अल्फाज वो एक मर हुआ वो दो मर हुमा वो सब मर हुम आप एक मर अंता आप दो मर अंतुमा आप सब मर अंतम मैं एक मर अना हम सब मर नहनु जी अब मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा आपने उर्दू अल्फाज पढ़ने हैं वो एक मर हुआ जी मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा हुआ जी जी वो एक मर हुमा वो दो मर्द हम वो सब मर्द अंता आप एक मर्द अंतुमा आप दो मर्द अंतुम आप सब मर्द आना मैं एक मर्द नहनु हम सब मर्द जी ये था ज़मीर मुनफसिल। अब ज़मीर मुनफसिल क्या मश करेंगे कुरान मजीद के अंदर ये इस्तेमाल होगा जब तो वहां कैसे आएगा और हम कैसे माना करेंगे अब अमली तौर पर उसको देखेंगे अमली तौर पर ज़मीर मुनफसिल कुरान करीम के अंदर सबसे पहली आयत है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लफ्जी तर्जुमा करेंगे हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवा रहमान रहीम सबसे पहले लफ्जी तर्जुमा करते हैं आयत का हुआ अल्लाह अल्लाह है अल्लज़ी वो जात ला नहीं इला कोई माबूद इल्ला मगर हुआ वही आलिमुल गैब जानने वाला है गैब का व शहादा और जाहिर और हाजिर का हुआ और वो अल्लाह और रहमान रहमान भी है रहीम भी है बड़ा मेहरबान है निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले लफ्जी तर्जुमा अब उसके बाद आयत पर अगर गौर करें हम तो इस आयत में एक लफ्ज है जो तीन मरतबा है जो हमने पढ़ा है हुआ सबसे पहला लफ्ज है
तो यहाँ लफ्ज अल्लाह हुआ जमीर का मर्जा अल्लाह तबारक ताला की जात है कि वो एक अल्लाह अल्लज़ी वो जात है कि ला इलाह कोई माबूद नहीं इल्ला हु मगर वही आलिमुल गैब व शहादा हुवर रहमान रहीम और वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब यहाँ इस आयत में दो चीजें थी, एक अमली मश्क जो हमने जमीर को देखा, दूसरा ये आयत ये कुरान की आयत मुझे और आपको कुछ पैगाम दे रही है। ये तौहीद के लिए ये आयत मंसूब है कि सबसे पहले अकीदा तौहीद कि उस रब कायनात की जात और सिफात पर मेरा और आपका खालिस ईमान हो। जात में कैसे हो, अल्लाह पाक खुद कहते हैं वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा, जात में उसके साथ कोई शरीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहूद ने उज़ैर इब्नुल्लाह कहकर कि उज़ैर साम अल्लाह के बेटे हैं दो खुदाओं के कायल हो गए, जात में शरीक कर दिया, और उसके बाद ईसाइत का नसरानियत का दौर आया तो वो तसलीस के काल हो गए, कहा तीन माबूद है, बुद्ध की बात हुई तो वो चार के हो गए, और मुशरिकीन की बात हुई तो उन्होंने तो हजर शजर से कोई भी नहीं छोड़ा, अल्लाह की जात में शरीक कर दी है। कहा नहीं वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा माबूद का अगर कोई मुस्तहिक है इबादत के तो वो वहदहू ला शरीक है जो जात में भी वाहद है, कोई उसके साथ शरीक नहीं है। आगे आयत के दूसरे हिस्से में सिफात की तरफ इशारा कर दिया, आलिमुल गैब व शहादा व रहमानुर रहीम। अब अल्लाह की सिफात भी दो तरह की, एक में सिफात की भी तौहीद और दूसरी तरफ सिफात की दूसरी किस्म बयान कर दी, दो किस्में बयान की है सिफात की, चार टोटल सिफात है। पहली सिफात आलिमुल गैब व शहादा, आलिमुल गैब व शहादा ये दो सिफात एक तरफ की है, रहमान रहीम ये दोनों दूसरी सफात दूसरी तरफ की है। क्या मतलब, पहली दो सिफात ये अकीदा तौहीद से ताल्लुक रखती है क्योंकि अल्लाह की सिफात दो तरह की है। पहली सिफात को कहते हैं सिफात सलबिया, सीन के साथ सलबिया, वो जिसको सलब कर लिया जाए निकाल लिया जाए उसको किसी के लिए छोड़ा ना जाए, तो ये पहली दोनों सिफात सिफात सलबिया है। क्या मुराद, मतलब ये कि कुछ अल्लाह तबारक तआला की सिफात की अकसाम वो हैं जो अल्लाह ने अपनी जात के साथ खास किए उस रब के अलावा कायनात में किसी में नहीं। कैसे, जैसे अल्लाह तबारक तआला का आलिमुल गैब कि हर जगह गैब का जानने वाली जात वो है, कायनात में गैब कुली बगैर इसबाब के मौफ़ूकल सबब यानी बगैर किसी सोर्स के वो अल्लाह की जात जानती है हर चीज, वह शहादा और हर जाहिर चीज को भी और हर जगह मौजूद और हाजिर नाजिर भी अपने इल्म इख्तियार कुदरत के साथ वही मौजूद है, कायनात में और कोई नहीं हो सकता रब है। इस जैसे ऊपर आयत में था कि जात में वहदहू ला शरीक है, जो अगर उसके साथ किसी को शरीक ठहराता है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है इस्लाम का, कोई हकानियत का, वो मजहब खत्म, मजहब वाले भी खत्म एक तरह से, बस वो तो डंगोसले में खड़े हैं काफिर हैं। सिफात में जो शरीक कर दे जैसे अल्लाह तबारक ताला की ऐसी सिफात है तो इसका भी करीब करीब हुक्म वही है, कायनात में इन सिफात का मालिक वो एक अल्लाह ही, इनको कहते हैं सिफात सलबिया कि ये अल्लाह ने अपने ये जात के लिए खास रखी है। सिफात की दूसरी किस्म हुआ रहमान रहीम, क्या करीम जात है, क्या रहीम जात है, क्या लतीफ जात है। कहा कि बंदे ये मेरी सिफात है, इनको कहते हैं सिफात ईजाबिया, हमजा या जीम के साथ ईजाबिया। ईजाबिया क्या मतलब, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक तआला बताते हैं कि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कौन है अल्लाह के रंग से, किसका रंग है अल्लाह के रंग से बेहतर, तो अल्लाह का रंग क्या है, ये अल्लाह का रंग है, ये सिफात ईजाबिया। कैसे, अल्लाह पाक कहते हैं कि बंदे, हदीस शरीफ में आते हैं कि बंदे मैं रहमान हूं, इरहम मन फिल अर्दे यरहमो का मन फिस समा, ए मेरे बंदे ए मेरी बंदी तू जमीन वालों पे रहम कर, आप जमीन वालों पे रहम करो, वो रहमान वो रहीम आसमान वाला वो तुझ पे रहम करेगा। अल्लाह कहता है बंदे मैं रहमान हूँ मैं रहीम हूँ, तू राहिम बन जा, तू जमीन वालों पे रहम कर। अल्लाह कहते हैं बंदे मैं आलिम हूँ, मेरी जात आलिम है, बंदे तू आलिम बन जा, आलिमा बन जा, जितना मेरे कुरान का दीन का इलम सीखते जाओगे मेरे यहाँ तेरा मकाम और मर्तबा बढ़ता जाएगा। अल्लाह कहते हैं बंदे मैं सबूर हूँ, मेरी जात सबूर है,
तू साबिर बन जा, अल्लाह कहते हैं बंदे में शकूर हूं तू शाकिर बन जा। ये अल्लाह की वो सिफात है जिनको इजाबिया कहा जाता है, ये अल्लाह का रंग है। ये आलिम है, जितना बड़ा आलिम है उसका मकाम और मरतबा उतना बड़ा है, उसका कोटा उस दिन जन्नत अशर में उतना बड़ा है, उतने लोगों की सिफारिश वो कर सकेंगे। तो ये अल्लाह की दोनों किस्म की सिफात, सलबिया अल्लाह की जात के साथ खास है, इजाबिया रहमान है, रहीम है, करीम है, तुम भी करम करो लोगों पर, सखी बन जाओ, अल्लाह कहता है मैं करीम हूँ तुम कारिम बन जा, सखावत तू भी कर बंदे, साबिर हूँ शाकिर साबिर बन जा, शाकिर बन जा, असाबिर व शाकिर हो किलाओ महफिल जन्ना। यह अल्लाह की सिफात है, अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अदा करना। अगली आयत गौर से देखिएगा कि इसमें कौन से लफ्ज हैं जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, गौर से देखें थोड़ी देर के लिए, एक मरतबा इस इबारत आयत को पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वहुम फी गफलतिन, वहुम फी गफलतिन, वहुम और वो ला युमिनून, दूसरी आयत दूसरा ऐसा ला नुखलिफु, खिलाफ से इख्तिलाफ करना, खिलाफ करना, नहनु हम वाला और ना अंता। अब आयत के तर्जुमे की तरफ आते हैं, वहुम वह का माना और, हुम वो सब के सब, फी माना में, गफलत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है गफलत में, वहुम और वो सब, ला नहीं, युमिनून ईमान से है, ईमान नहीं लाते, ला नुखलिफु नहनु वाला अंता, ना खिलाफ करेंगे हम, नहनु हम ला नुखलिफु खिलाफ करेंगे हु उसका, नहनु हम वाला और ना अंता। अल्लाह पाक कहते हैं कि बंदे पहली आयत में खुलासा एक से दो मिनट में, वहम फी गफलतिन वो सब गफलत में है, कौन गफलत में, मैं भी गफलत में हूँ आप भी गफलत में, हम सब अपनी गिरबान में जाके, सिर्फ कुफार को खिताब नहीं है मुझे और आपको भी है, कैसी गफलत है, ऐसी गफलत है कि कुछ चीजों पे हमें यकीन है, आखिरत की जिंदगी पर और दुनिया की जिंदगी पर हमें कितना यकीन है, कितना ईमान लाते हैं, दुनिया की जिंदगी 20-30-40 साल पे हमें इतना यकीन है, छोटे छोटे बच्चों को 3-4 साल से लेकर 10-15-20 साल तक फोर्स करते हैं बेटा, और सुबह वालदा उठेगी बच्चों को नहलाएगी धहलाएगी नाश्ता करवाएगी लंच पैक साथ करेगी, चलो बेटा स्कूल, बड़ा हो गया वाले साहब यहाँ अच्छी जगह ट्यूशन लो, इधर लो उधर लो, किसके लिए इतनी तैयारी, इसका फ्यूचर अच्छा हो जाए, कौन सा फ्यूचर, आगे 20-30-40 साल जिंदगी को यकीन ही नहीं है, पता नहीं किस मोड़ पर ये रूह प्रवास कर जाए, और ये 6 फुट का ढांचा वहीं पड़ा हो, मिट्टी है मिट्टी से बना है मिट्टी में ही चला जाएगा, और जो आसमान से रूह आई है वो उधर प्रवास कर जाएगी, असल तो वो है, उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इस जिस्म के लिए तैयारी हो रही है अगली 30-35 साल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तालीम एजुकेशन ट्यूशन अच्छा स्कूल अच्छा ट्यूटर, लेकिन क्या जो अनलिमिटेड जिंदगी है जिससे कोई इनकार नहीं करता मौत के बाद वो है, हशर में अल्लाह के सामने खड़े होके जिंदगी के एक एक पल का जवाब देना है यकीनी है, उसके लिए कितनी तैयारी करवाते हैं हम अपने बच्चों को, उसके लिए कितने ट्यूटर रखे हुए हैं, कितने जो इनको अकेडमीज रखी हुई है कि बेटा ये तो जिंदगी फिर भी हो जाएगी, असल तो वो है अनलिमिटेड है बेटा, ये 30-40 साल पता नहीं होगी भी ये नहीं, उसके लिए कितनी तैयारी, इसके लिए कितनी तैयारी, ये वहम फी गफलत दुनिया की नफ्स परस्ती, इस दुनिया ने हमें घेर लिया उसके गफलत की वजह से, हमें आखिरत पर कबर पर हशर पर उस रब के तमाम अहकाम पर यकीन नहीं रहा। ला नुखलिफु नहनु अल्लाह ने कहा था कि आप खिलाफ नहीं करना मेरे हुक्म मान के आना तो हम भी नहीं करेंगे, ला अंता यानी आप खिलाफ नहीं करना मेरे हुक्म मान के आना और मैं खिलाफ नहीं करूंगा जन्नत तो मैं दूंगा ऐश वाली जिंदगी दूंगा, अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 8 आयत 8 अल्फाज जो हमने पढ़े हैं 8 आयतों में आए हैं, हुआ वर रहमान रहीम वो रहमान रहीम है गुजर चुकी है, हुमा वो दोनों कौन, इद जब हुमा वो दोनों कौन, मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके यारे गार वल मिजार अजब बुकर सिद्दीक फिल गारे, कहां में थे गार में थे, दोनों लफ्ज उर्दू में, हम वो सब उलाय का वो
हम वो सब के सब अल मोमिनून ईमान वाले थे। अंता अंता आप एक मत इन्नमा बेशक आ बेशक इन्नमा माना बेशक अंता आप ए मेरे पैगंबर नदीर डराने वाले हैं नदीर डराने वाले अंता अंतुमा आप दोनों अंतुमा आप दोनों वमन और वो इत्तबा जिसने इत्तिबा की कुमा तुम दोनों के अलगालिबुन गलबा से गालिब आएंगे अंतुम आप सब फहल अंतुम शाकिरून ये मुझे और आपसे सवाल है क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं मुझे और आपको अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी उनमें से एक नेमत कुरान सीखने के लिए किया वल्ला आज हम सीखने से मारूम हो जाते हैं रुकावटें तो कोई भी आ जाएगी कोई भी मुश्किल आ जाएगी कोई भी परेशानी आ जाएगी वक्त नहीं होगा कुछ टाइम टेबल हो जाएंगे लेकिन असल ये होती है कि जो मौका मिला होता है उस पर हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया होता और हम कह देते हैं कि ये तो मेरी अकल और दानिश और फाम है कि मैंने ये सीखना शुरू कर दिया रोजाना कम से कम एक सजदा किया करें अल्लाह के सामने कि या अल्लाह ये तेरी तौफीक है उसके बदले में ये शुक्र है कि तुम आपने अल्लाह कुरान सीखने का मौका दिया है आना मैं वामा और नहीं आना मैं मिनल मुशरिकीन शिर्क करने वालों में से नहनु नहनु अवलियाकुम हम तुम्हारे दोस्त है अवलिया वली से है माना तुम्हारे दोस्त है गौर से ना आयात को देखिएगा आज का हमारा सबक है जमीर मुनफसिल और ये आपका होमवर्क भी है ये दोबारा आपने सुनाना है और लिख कर भी भेजना है और जमीर मुनफसिल एक मरतबा फिर हुआ हुमा हुम अंता अंतुमा अंतुम आना नहनु ये आगे इनकी तादाद लिखी हुई है कुरान करीम में इनका इस्तेमाल कि कितनी मरतबा हुआ है आज का सबक हमारा यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हुआ सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक एक काम जरूर कीजिएगा कि कल के जो आज सबक है कल आप जब कुरान करीम की तिलावत करें थोड़ा सा गौर करें कि ये जो आठ जमाएर आ रही है जब ये नजर आए थोड़ा सा रुके उसका तर्जुमा कीजिएगा बहुत जल्दी आप पूरे कुरान को समझने की कोशिश शुरू करेंगे लेकिन बशर ये है कि थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसन जज़ा आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं फिर उसके बाद आपका ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें आपने एक दूसरे के साथ रिवाइज करना है ये 10 मिनट बहुत अहम होते हैं ये जरूर दीजिएगा जिसमें आप अपने कुलीग्स के साथ थोड़ा थोड़ा दोहरा लिया करें सुना लिया करें एक दूसरे को